अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम अच्छे से जानते हैं तुमने किसी को कॉल किया होगा और बोला होगा कि कॉल कर ऐसा सब कुछ कहना। ड्राइवर गाड़ी रोको। भैया कुछ भी हो जाए गाड़ी मत रोकना। एक बम तो तुमने बस के बाहर कर दिया पर दूसरा स्पीड बम अभी भी बस के नीचे लगा हुआ है। अगर बस ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड 65 से कम की तो बस के पर कच्चे उड़ जाएंगे। और तुम भी समझ लो मृदुला कि हमारे होते हुए इस गाड़ी को कोई नहीं रोक सकता। यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। अगर गाड़ी रुकी तो बम फट जाएगा। ड्राइवर तुम गाड़ी रोकोगे या नहीं? नहीं संतोष जी आप गाड़ी मत रोकिए, गाड़ी चलाते रहिए। मृदुला कभी तो दूसरों के बारे में भी सोच लिया करो। अरे इस गाड़ी में छोटे छोटे बच्चे हैं, दीवू है, नंदनी प्रेग्नेंट है और साथ ही साथ तुम भी हो। अगर बॉम्ब फटेगा तो तुम भी मर जाओगी। गाड़ी चलाते रहिए आप। ठीक है मान ली तुम्हारी बात, लेकिन सिर्फ मेरे रुकने से क्या होगा? हाँ ये बस भी तो कभी ना कभी रुकेगी, इसका पेट्रोल भी तो कभी खत्म होगा, तब क्या होगा अनमोल? तब तो सब मर जाएंगे। कभी घर वापस नहीं जा पाएंगे। देख रही हो तुमने क्या किया, डरे हुए लोगों को और डरा दिया। अरे किसी की हिम्मत नहीं बढ़ा सकती तो डर तो मत बढ़ाओ। नंदिनी तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें और छोटू को कुछ भी नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है। दिव्यासा आपको अपनी अनमोल माँ पर भरोसा है ना? दीवू ये तुम्हारी असली अनमोल माँ नहीं है। मृदुला दूर ही रहो हमसे। अब हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया यही हमारी अनमोल भाभी, क्योंकि एक वही है जो डूबते हुए को भी अपनी हिम्मत से बचा लेती है। सॉरी भाभी हम आपको पहचान नहीं पाए। बच्चों सब हमारी बात सुनो, क्या कभी भी किसी ने भी सुना है कि किसी फिल्म में कोई हीरो मर गया और दुश्मन जीत गया? नहीं ना, है ना, नहीं सुना है ना कभी भी? नहीं। तो जब कहानी में ऐसा नहीं होता तो असल जिंदगी में कैसे होगा? एक बात हमेशा याद रखना कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसीलिए हम सबको हिम्मत नहीं हारना है। और ये सब तो आपने स्कूल में भी सीखा होगा कि जहाँ होगी एकता वहाँ होगी जीत, और मिलकर हम करेंगे परेशानी को पीट। बोलो पीटेंगे या नहीं? पीटेंगे। सुनाई दे रहा? पीटेंगे। तो सब मिलकर बोलो कि हम हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे। और हम दुश्मन को मिलकर हरा देंगे, दुश्मन को हरा देंगे। वापस हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। और हम मिलकर दुश्मन को हराएंगे, हम मिलकर दुश्मन को हराएंगे। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। और जोर से हम जीतेंगे। बच्चों जब संकट मोचन हमारे साथ है तो विश्वास रखो कुछ नहीं होगा हमें। चलो 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 अब। अच्छा तो अनमोल अब बजरंग बली हमारी मदद करने के लिए आएंगे?
क्या हुआ? मैंने पूछा कि क्या क्या करने जा रहे हो? हम आपको बांधने वाले हैं ताकि आप यहाँ पर चुपचाप बैठी रहें। चलिए। अरे चलिए यहाँ पे। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। पकड़ लो इसे। मत करो ऐसा। छोड़ो मुझे नंदिनी। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लो हम सब मरने वाले हैं और यही सच है। गंदी आंटी आप चुप रहिए, लोगों को डरा रही है आप। हमारा चेहरा लेकर तुम इतनी मनहूस बातें कैसे कर सकते हो मृदुला? नहीं, एक काम करते हैं, तुम ना बहुत बकवास कर रहे हो, हम अब तुम्हारा मुंह बंद करेंगे। अब चुपचाप बैठी रहो। चलो बच्चों, अब आप सब अपनी जगह पर बैठ जाइए। जाओ। बेटा तुम ना एक काम करो, तुम अपना भोपू लो और वहाँ एकदम आगे जाकर बैठ जाओ, और जो भी गाड़ी आए ना अपना भोपू बचाना और उन्हें हटने के लिए कहना, ठीक है? जाओ। संतोष आप गाड़ी चलाते रहिएगा और हार मत मानिएगा, ठीक है? जी जी जी। जब हनुमान जी अपनी पूरी सेना को लेकर एक पूरा समुद्र पार कर सकते हैं, तो फिर आप हमें एक रास्ता क्यों नहीं पार करा सकते? बिल्कुल करवाएंगे। बोलो बजरंगबली की जय। पुलिस का नंबर? रमन चौहान, यही नाम है ना? हाँ सर, लेकिन उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। सबूत नहीं है तो जुटाना होगा, क्योंकि उसने बहुत बड़ी धांधली की है। गरीबों की जमीनों पे कब्जा करके उसे अमीरों को बेचा है। उसे इतनी आसानी से तो नहीं जाने देंगे। बात आपकी सही सर, लेकिन आपको मालूम है ना उसके ऊपर उसके ससुर का हाथ है। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा कोई? कोई हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। गाड़ी हम रोक नहीं पाएंगे, हट जाओ। स्लो कर देता हूँ स्पीड। नहीं नहीं नहीं, स्पीड कम मत कीजिए भैया। साइकिल मारे भैया, हटो। याद नहीं रहता क्या आप लोगों को कि ये पुलिस स्टेशन है जहां पे हर कॉल या तो काम का होता है या काम के लिए होता है? कोई कोई मुसीबत में कॉल कर रहा होगा। हेलो 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 इंस्पेक्टर साहब, हम अनमोल बोल रहे हैं। हम बहुत सारे बच्चों के साथ एक बस में फंस गए हैं और यहाँ हमारे बस में स्पीड बॉम्ब लगी हुई है। बस का नंबर है 0214 और हम किले वाले हाईवे पर है। आप जल्दी से मदद भेजिए, हो सके तो पूरा हाईवे खाली करवा दीजिए, क्योंकि हम अपनी स्पीड 65 से नीचे नहीं कर सकते। जल्दी मदद कीजिए हमारी। देखिए आप चिंता मत कीजिए, हम लोग हाईवे खाली करवाते हैं, डोंट वरी। आप बच्चों का ख्याल रखिए, हम किसी को भेजते हैं अपनी टीम से। हेलो इंस्पेक्टर, कैसे स्पीकिंग? जल्दी से किले वाला हाईवे खाली करवाओ, वहां से बस 0214 बस किसी भी हालत में नहीं रुकेगी, क्योंकि उसमें स्पीड बम लगा हुआ है। जल्दी करो, फास्ट। यादव जल्दी से अपनी टीम को इन्फॉर्म करो।
की सीट को पकड़कर बैठ जाइए। संतोष जी आप ध्यान से चलाइए गाड़ी, गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। गाड़ी नहीं चला पाएंगे दीदी, किसी को हमारी जगह आना होगा। अब हम पक्का नहीं बचेंगे, सब मरने वाले हैं। अनमोल माँ हम सच में मर जाएंगे। दीवू आप परेशान मत हो, आपकी अनमोल माँ है ना यहाँ, आपकी अनमोल माँ और आपके पापा जान दे देंगे लेकिन आपको कुछ नहीं होने देंगे। आपका तो बहुत खून बह रहा है। हमें अगर ड्राइवर अंकल की सीट पर आना है तो एक्सीलेटर को किसी चीज से दबाना होगा वरना गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी। वहीं हमारे पैर छोटे हैं तो पैरों को भी लंबा करना होगा। अनमोल नकली लंबाई कैसे बढ़ाएगी, जल्दी सोच। नंदिनी दीवू का टिफिन लो। अरे क्या तुम खाना खाने वाली हो क्या, हम सब मरने वाले हैं। नहीं हम सब इतने टेंशन में, तुम्हें खाना खाना है। चुपचाप बैठी रहो वहां पर। संतोष जी आप चिंता मत कीजिए, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। ये देखिए हम टिफिन लाए, ये हम आपके पैर के नीचे रखेंगे और जैसे हम आपको कहेंगे आप कूद जाइएगा, ठीक है? बजरंग बली सीट पर तो बैठ गए, मदद कीजिए हमारी। आज तो मैं मरूंगी। भाभी हमें आपको पहले ही पहचान जाना चाहिए था। बताइए हमने आपको पहचाना भी तो ऐसे मोड़ पर, पता नहीं भगवान ने हमारे लिए क्या लिखा है। नंदिनी लिखा वही होगा जो भगवान चाहेंगे। अभी अभी खबर मिली है एक बस जो बच्चों से भरी हुई है जिसका नंबर है 0214। ये बस में किसी ने स्पीड बॉम्ब प्लांट किया। ये बस किले वाले हाईवे से गुजर रही, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस रास्ते से ना गुजरें। थू 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 थू, कितना बुरा हो रहा है बच्चों के साथ, मतलब ब्रेक दबा और बम फटा। ये न्यूज़ तो भाई को दिखानी ही होगी। भाई कहाँ है आप? भाई 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 प्रिंसेस जिस बस में है उसमें बॉम्ब है। व्हाट, ये तू क्या कह रहा है? हाँ ये देखिए, ये वही बस नंबर है ना जिस पर प्रिंसेस गई। हाँ बस का नंबर तो वही है। भाई न्यूज वाले बता रहे हैं अगर गाड़ी की स्पीड 65 से कम हो तो बम तुरंत फट जाएगा। नहीं, हम अभी नंदिनी को कॉल करते हैं। आप फोन करो, पूछो कहाँ हैं वो लोग। हेलो नंदिनी, तुम लोग कहाँ हो? सब लोग ठीक हो ना? देखो डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। जानते हैं कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारी अनमोल भाभी हमारे साथ है। क्या हमारी
अमूल तुम्हारे साथ है। नंदनी एक काम करो, तुम अपना लाइव लोकेशन अभी सेंड करो, हम और रजत जी अभी कभी वहां आते हैं अभी। रजत हमारे सारे बच्चे उस बस पे हैं, वो सही सलामत घर वापस तो आ जाएंगे ना। माँ अब चिंता मत कीजिए, किसी को कुछ नहीं होगा, लोग जाकर देखते हैं। आप और तुम्हारे जाने से बस नहीं रुकेगी। हाँ बस नहीं रुकेगी, लेकिन मैं भी नहीं रुक सकता, यहाँ घर में बैठकर क्या करूँ, कुछ तो करना पड़ेगा ना। लेकिन करोगे क्या? मुझे नहीं पता रानी माँ मैं क्या करूँ, लेकिन मेरी बीवी मेरी बच्ची मेरी बहन और उसका होने वाला बच्चा सब लोग उस बस में, मेरा पूरा परिवार, मैं ऐसे में यहाँ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। हम भी अपने परिवार को खतरे में नहीं छोड़ सकते। चलिए रजत जी चलो। हाँ ये रक्षा का वचन तुम दोनों की रक्षा करेगा। माँ मैं आपसे वादा करता हूं अपने पूरे परिवार के साथ ही घर लौटूंगा, बस आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। माँ ये कैसी मुसीबत है, माँ हमारे बच्चों की रक्षा करना, उन्हें हिम्मत देना। माँ जब तक हमारे सारे बच्चे सुरक्षित घर वापस नहीं आ जाते हम अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। माँ लगता है मम्मी का तब लंबा चलने वाला है और मम्मी भोजन सीधा तेरे वाले करने वाली। अमल के ये क्या किया तुमने? रानी माँ मैंने कुछ भी नहीं किया सच्ची, मुझे तो खुद ये सब न्यूज से पता चला है। पता नहीं कौन हमारे परिवार के साथ ये खेल खेल रहा है। मेरे दिमाग का जवाब नहीं, क्या प्लान बनाया मैंने, अनमोल के साथ साथ भाई भी स्वाहा। हो गया रजत की गाड़ी का ब्रेक फेल, तो पत्नी जी लीजिए हमारा रास्ता साफ हुआ, अब हम जिएंगे शांति से और बाकी सब शांति। इस बस की डिटेल सारे पुलिस स्टेशन पे भेजो। यादव इस बस को रोकना हमारे लिए बहुत जरूरी है, पर उससे पहले हमें बॉम्ब स्क्वाड को बस पे चढ़ाना होगा। लेकिन सर चलती बस में कोई कैसे चढ़ेगा? कैसे? हाँ एक तरीका है, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक बस स्टॉप है, हमें बस को वहां पे डाइवर्ट करना होगा, उसके बाद बस हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। यादव तुम एक काम करो, तुम क्रेन का अरेंजमेंट करो, अब अल्लाह तुम इधर आओ, सारा का सारा बस स्टॉप खाली कराओ, जाओ चाहे कुछ भी हो जाए मैं बच्चों को कुछ होने नहीं दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बस बिना रुके चली जा रही है, कोई नहीं जानता कि ये बस कैसे रुकेगी, फिलहाल सबकी उम्मीदें प्रशासन पे। हेलो मैं बेलघाट थाने से बोल रहा हूँ, हमें अर्जेंट बेसिस पे एक क्रेन चाहिए, जल्दी। अब देखना यह है कि पुलिस बस में बैठे हुए बच्चे और उनके माँ बाप की जान बचा पाती है या नहीं। मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए,
वरना मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। महावीर, हमारे बच्चे बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। उन्हें हिम्मत दीजिए, उनकी रक्षा करिए, उन्हें रास्ता दिखाइए। जब तक हमारे बच्चे सही सलामत घर नहीं आते, हम ये दीपक किए खड़े रहेंगे। Come on, मम्मी। कष्ट क्यों दे रही आप अपने आप को? ये तब से कुछ नहीं होने वाला। चलो कोई नहीं, थोड़ी देर और सही हो लीजिए खड़े। वैसे भी लाश की खबर मिलते ही ये तब तो टूट ही जाएगा। कैरी ऑन। रंगमली मदद कीजिए हमारी।